क्वेश्चन नंबर वन, मिनरल क्या होता है? एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है. इट हैज अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. रॉक्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, फिर से, होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. जो रॉक्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स. और क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक मिनरल रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से बनता है. एक मिनरल जो है वो किससे बनता है? हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनता है. और की क्वालिटी किस चीज में, उस मिनरल की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है जिसमें वो बना था. ऐसा मिनरल जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सफिशियंट है, ऐसा मिनरल जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सफिशियंट है, जिससे इसका एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ओर. So what is an ore? A ore is a mineral in which the concentration of metal is reasonably high to make its extraction commercially viable. Sources of mineral से वन markers आते हैं बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहला है igneous और metamorphic rocks. Igneous और metamorphic rocks से आपको क्या मिलता है? तो हमने कहा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हम लोग को कॉपर, जिंक और लेड मिलता है. क्या मिलता है? कॉपर, जिंक और लेड मिलता है. ये किस फॉर्म में मिलता है? क्रैक्स, क्रिवाइसिस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स. किस फॉर्म में मिलता है? क्रैक्स, क्रिवाइसिस. ठीक है, जो छोटी अकरेंसेज होती है उसको बोलते हैं वेन्स, और जो लार्जर अकरेंसेज होती है उसे क्या कहते हैं? लोड्स. तो स्मॉलर अकरेंसेज आर नोन एज veins, larger occurrences are known as loads. Exam में question आता है how are loads and veins formed? Exam में question आता है how are loads and veins formed? तो हम लोग बोलते हैं minerals जो liquid या gaseous state में होते हैं, minerals जो liquid या gaseous state में होते हैं, they are forced upwards. They are forced कैसे ऊपर आएंगे? Through cavities. कैसे आएंगे? Through cavities. कहाँ आएंगे? टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस. कहाँ आएंगे? टूवर्ड्स द, जब ये ऊपर आएंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे. दे कूल एंड दे सॉलिडिफाइड. दे कूल एंड दे, इन दिस वे लोड्स एंड वेन्स आर फॉर्म. तो क्या याद रखना है? मिनरल कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड और गैसियस स्टेट में होगा. ये क्या होंगे? फोर्स्ड अपवर्ड्स. कहाँ से? थ्रू कैविटीज. ठीक है, और ये कहाँ पहुंच जाएंगे? अर्थ की सरफेस पे. ये ठंडे हो जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे. दिस इज हाउ लोड्स एंड वेन्स आर फॉर्म. तो सबसे पहले हमने देखा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या मिलेगा? कॉपर, जिंक, लेड मिलेगा. किस फॉर्म में मिलेगा? क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स. क्रैक्स, क्रेवाइसेस. ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक में तीन फॉर्म में मिनरल मिलते हैं. सेडिमेंट्री रॉक में तीन फॉर्म में मिलता है. पहला, बेड और लेयर में कौन मिलेगा? आयरन एंड कोल. एवोपरेशन इन एरिड एरियाज में क्या मिलेगा? जिप्सम और पोटैश. और रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मास में आपको मिलेगा बॉक्साइट. तो सेडिमेंट्री रॉक के तीन फॉर्म्स रहेंगे, बेड्स और लेयर्स में आयरन एंड कोल, एवोपरेशन ऑफ एरिड एरियाज में जिप्सम एंड पोटैश, और रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटीरियल में आपको मिलेगा बॉक्साइट. एलुवियल डिपॉजिट्स में कहा क्या क्या मिलेगा आपको? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. क्या मिलेगा? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स और बेस ऑफ हिल्स. कहाँ मिलेगा? सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स. डिपॉजिट्स को डिफाइन करने के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स दैट आर फाइंड फॉर्म्ड ऑन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ द हिल्स. सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ द हिल्स आर नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स. दीज कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वॉटर. ठीक है, और ओशियन वॉटर से आपको कौन मिलेगा? कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन और मैंगनीज. कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन और मैंगनीज. तो सबसे पहले हमने देखा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. वहां पे क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स, जॉइंट्स में हमें क्या मिलेगा? कॉपर, जिंक और लेड मिलेगा. किस फॉर्म में मिलेगा? लोड्स और वेन्स में. लोड्स और वेन कैसे मिलते हैं? जो मिनरल रहते हैं लिक्विड या गैसियस स्टेट में, वो ऊपर की तरफ फोर्स होते हैं
थ्रू कैविटीज और ऊपर आते आते ही ठंडे हो जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं और लोड्स और वेंस बना लेते हैं। सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक में तीन फॉर्म रहते हैं, बेड और लेयर में आयरन और कोल मिलेगा, इवोपरेशन इन एरिड एरिया से जिप्सम और पोटैश मिलेगा, रेसिडुअल मास और वेदर्ड मटेरियल से हमें बॉक्साइट मिलेगा। एलुवियल डिपॉजिट्स किस फॉर्म में होंगे, प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में होंगे। प्लेसर डिपॉजिट्स वो मिनरल्स होते हैं जो सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स और बेस ऑफ मिनरल्स में मिलते हैं, ठीक है। दीज कंटेन्स मिनरल नॉट कोरोडेड बाय वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओशियन वाटर में आपको क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन और मैंगनीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रैट होल माइनिंग कहाँ पर होती है, ज्वार और चेरापुंजी में होती है। किस चीज की, कोल की। ज्वार और चेरापुंजी में होती है किस चीज की, कोल की। जो एक फैमिली मेंबर रहता है वो अपने घर के नीचे से ही एक लॉन्ग नैरो टनल बनाता है। एक फैमिली मेंबर अपने घर के अंदर ही एक लॉन्ग नैरो टनल बनाता है, ठीक है। किस चीज के लिए, वो मिनरल्स इससे क्या आ जाते हैं, उनके हो जाते हैं। ये कौन करता है, कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। Factors that affect viability of a resource. Factors that affect viability of a resource क्या होते हैं, उसका concentration, उसका ease of extraction और उसका closeness to the market. CCE, concentration, closeness to the market और ease of extraction. CCE, concentration, closeness, ease of extraction. Is that clear? चलो, फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कौन होता है, आयरन होता है ना। अब आयरन की दो और होती है, याद रखना, एक होती है मैग्नेटाइट, एक होती है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट की क्या अच्छी प्रॉपर्टी रहती है, इसमें 70% आयरन रहता है, हेमेटाइट में आयरन कंटेंट कम होता है। एक्सेलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम आता है और हेमेटाइट इंडस्ट्री में यूज होता है। बेटा ये चार बेल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, बलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। तो झारखंड तुम्हें याद है, हाँ बोलते तो रहते हो झारखंड झारखंड झारखंड, तुम्हें दुर्ग बस्तर भी याद है, बस्तर पढ़ा था ना, दुर्ग बस्तर, ठीक है ना। मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, ये भी याद है। तो याद क्या करना है, बलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर, बीसीसीटी, बीसीसी तो चैनल है, टी तुम्हें याद करना है, चाय पीते पीते देखते होगे तुम क्या, बीसीसी, बलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर, ठीक है। बलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर। अब आ जाओ मैंगनीज पे। मैंगनीज किस काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, है ना। अब इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, मध्य प्रदेश, कितना परसेंट, 27%, ठीक है। ये थे हमारे फेरस मिनरल्स, कौन से, पहला हमने देखा कौन सा, आयरन, और दूसरा देखा क्या, मैंगनीज। अब आ जाओ नॉन फेरस मिनरल में, सबसे पहला कौन सा है, कॉपर। नॉन फेरस मिनरल में सबसे पहला कौन सा है, कॉपर। मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। अब कॉपर की तो तुम वायर्स यूज ही करते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्रीज। जगह याद रखना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सिमुन डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और खेतरी माइंस इन राजस्थान, ठीक है। बालाघाट एमपी, सिंभूम झारखंड, और खेतरी माइंस इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्साइट तो कौन होता है, हमारा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट तो कौन होता है, हमारा, इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लाइट वेट होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, ये मैलिएबल भी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में पढ़ी थी ना, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, लाइट वेट, गुड कंडक्टर, मैलिएबल, ठीक है ना। अमरकंटक प्लेटू में मिलता है, माइकल हिल्स में मिलता है, बिलासपुर कटनी रीजन में मिलता है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा, ओरिसा। ओरिसा में कहां पर, कोरापुट, पंचपटमली डिपॉजिट्स, पंचपटमली, पंचपटमली डिपॉजिट्स, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में आए तो माइका, जो तुम सन माइका यूज करते हो ना, वो वाली। इसकी देखो चार प्रॉपर्टीज दी हुई है, चारों का मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। फिर से बोलू, एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर,
इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका मेजर प्रोड्यूसर कौन है? अजमेर एंड राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू और नेलोर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा लाइस्टोन, चूना बनाते हो जिससे तुम, चूना कहाँ काम आता है? सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कहाँ यूज होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में और आयरन स्मेल्टिंग में, ब्लास्ट फर्नेस। आयरन स्मेल्टिंग इन, आयरन को पिघलाना भट्टी में, फर्नेस मतलब क्या होता है? भट्टी। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, एमपी और कर्नाटका। एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइनिंग इज अ किलर इंडस्ट्री। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? माइनिंग इज अ किलर इंडस्ट्री, क्यों? डस्ट एंड नॉक्सियस फ्लेम्स, नॉक्सियस मतलब जहरीले, कैन बी इनहेल्ड बाय द माइनर्स, जो माइनिंग करते हैं। तो डस्ट एंड नॉक्सियस फ्लेम्स इनहेल्ड बाय द माइनर्स, इनसे इनको पल्मोनरी लंग डिजीजेस हो जाती है। इनसे इनको क्या होती है? पल्मोनरी लंग डिजीजेस। ये हुआ पहला पॉइंट, डस्ट एंड नॉक्सियस फ्लेम्स, पल्मोनरी लंग डिजीजेस। दूसरा है रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ्स, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ, इनके ऊपर घिर जाती है तो ये अंदर ही रह जाते हैं, फिर बाहर आते ही नहीं है। ठीक है, तीसरा इंडेंटेशन, फायर्स इन कोल माइंस, बहुत बार फायर्स लग जाती है, आई बात समझ में। और चौथा, इससे बहुत सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं? कंटेमिनेट होते हैं, आई बात समझ में। और इसका जितना भी माइनिंग इंडस्ट्री का वेस्ट रहता है, जब आप सॉइल में या लैंड में क्या करते हो? डंप करते हो, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो पहला पॉइंट है डस्ट एंड नॉक्सियस फ्लेम्स लीड टू पल्मोनरी डिजीजेस, दूसरा रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ माइंस, माइन रूफ्स, थर्ड इंडेंटेशन, फायर्स एंड कोल माइंस एंड आर अदर थ्रेट्स, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज गेट कंटेमिनेटेड, है ना, एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी contaminates land and soil. Therefore, it is a killer industry. Mineral का conservation क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको जो biochemical processes बनती है, geological processes जिनसे ये बनते हैं, वो बहुत slow होती है, short span में उनका replenishment possible नहीं है, इसलिए non-renewable है ना। continued extraction से उनका cost क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और quality क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है, इसलिए उनका क्या है? कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन कैसे करोगे? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू अलाउ द यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लोअर कॉस्ट, और रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा मिनरल वाला पार्ट क्या होता है? खत्म। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेस पे, है ना। कन्वेंशनल में सबसे पहला है कोल। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। कैसे बनता है? प्लांट और एनिमल मैटर को डीके करके बनता है। कोल की चार क्वालिटी होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट सबसे घटिया कोल होता है, लोवेस्ट क्वालिटी, लो कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर, लो हीटिंग कैपेसिटी। इससे थोड़ा सा ठीक ठाक कौन होता है? लिग्नाइट। सॉफ्ट होता है, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। कहाँ मिलता है? नेवेली इन तमिलनाडु। कहाँ काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसके बाद आता है विटुमिनस, जो बहुत वाइडली कमर्शियली यूज होता है फॉर आयरन स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेसेस, और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का हाई क्वालिटी कोल होता है। हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलता है कोल? गोंडवाना लैंड, दामोदर वैली, गोदावरी महानगरी, बल्की रॉ मटेरियल है, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है? ये वेट लूज कर देता है, और इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री में गिना जाता है। इसके बाद कन्वेंशनल सोर्स दूसरा कौन सा है हमारा? पेट्रोलियम। ये फ्यूल प्रोवाइड करता है हीटिंग और लाइटनिंग के लिए, ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है मशीनरी के लिए, और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी नोडल सेंट्रल इंडस्ट्री होती है फॉर टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और दूसरी केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि पेट्रोलियम जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स निकलते हैं वो सारे कहाँ से निकलते हैं? पेट्रोकेमिकल से ही निकलता है, या फिर पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? मुंबई हाई से होता है, उसके बाद गुजरात से होता है, और लास्ट में किससे होता है? आसाम से होता है।
नेचुरल गैस जो है वो हम लोग को पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकती है और पेट्रोलियम के बिना भी मिल सकती है। ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि इसका मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है। आई बात समझ में? और इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज होता है। आई बात समझ में? इसलिए इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है। हजीरा बिजयपुर जगदीशपुर की जो पाइपलाइन है वो कितनी लंबी है? 1700 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये किसको लिंक करती है? मुंबई हाई को अलग अलग पेट्रोलियम प्लांट्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स और पावर प्लांट से क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पता है क्या होती है? डैम्स बनाकर जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं वाटर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिया के पास बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, जैसे कि भाखड़ा नागर डैम पर है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और दामोदर रिवर वैली पे भी क्या है? प्रोजेक्ट है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, पेट्रोलियम से बनती है और नेचुरल इंडस्ट्री से बनती है। हमारे यहाँ पर 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये सारे क्या हुए? हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हुए। नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहला कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को ऑल्टर करते हैं, ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आई बात समझ में? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। हमारे यहाँ यूरेनियम और थोरियम कहाँ अवेलेबल है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए? झारखंड में और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, ठीक है। जो मोनाजाइट सैंड है केरला की, वो काय में रिच है? थोरियम में। इसके बाद आ जाओ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इंडिया के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है। फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी, फोटो मतलब लाइट, वोल्टाइक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी से आप लाइट को काय में कन्वर्ट कर देते हो? इलेक्ट्रिसिटी में। आई बात समझ में? जिससे हमारी फायरवुड और डंक केक्स पे क्या होती जा रही है? डिपेंडेंस कम होती जा रही है। इसके बाद क्या तुम्हारा? विंड पावर, तमिलनाडु, नागरकोइल, मदुरई, ये सारे एरियाज है जहां पर हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है? विंड एनर्जी प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल के लिए क्या करते हैं? जो सी में टाइड्स आते हैं उनके लिए हम लोग फ्लड गेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, फ्लड गेट बनाते हैं। तो जब हाई टाइड आता है, जब हाई टाइड आता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लड गेट के थ्रू एक रास्ता बनाते हैं जिससे पानी अंदर जाता है, वहां पर वो पानी ट्रैप हो जाता है, वहां पर वो पानी ट्रैप हो जाता है। हम वो गेट्स क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो जब वाटर इस पाइप से वापस फ्लो होता है तो वो टर्बाइन को घुमाएगा, और टर्बाइन को घुमाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कहाँ कहाँ टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होना थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है? तो गल्फ ऑफ खंबा, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबंस और वेस्ट बंगाल। जियोथर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर से प्रोड्यूस होती है, याद तो हमने बात करा था, मणिकरण है और ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहां पर क्या होता है, पार्वती वैली है, पूगा वैली है लद्दाख में, जहां पर पानी जो रहता है वो ही अर्थ की हीट की वजह से कौन से फॉर्म में होता है? स्टीम के फॉर्म में ही होता है। तो जब यहाँ पे डिग करते हो तो ये बहुत डेप्थ से, बहुत हाई प्रेशर से बाहर आता है जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से। जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब आप अर्थ के अंदर जैसे 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 जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो वहां का जो पानी होगा जब आप खुदाई करोगे तो स्टीम के फॉर्म में गश आउट होगा, जो किस चीज को यूज करेंगे हम लोग? टर्बाइन को घुमाने में यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल पार्वती वैली मणिकरण में, सॉरी पार्वती वैली मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बंद कर दो जब यूज में नहीं हो, पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करो और ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक तुम्हारा बायोगैस। प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फार्म वेस्ट, इन सबको जब हम गड्ढा खोद के क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है? बायोगैस मिलती है, जो बेटर फ्यूल है इन कंपैरिजन टू केरोसिन और डंग केक। मतलब काउ डंग की बात कर रहे हैं, आ रही है बात समझ में? इसमें कभी कभी काउ का डंग भी यूज होता है, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोला जाता है।
बायोगैस के फायदे क्या है, ये चीप है ना, इसका बनने के बाद जो लेफ्ट आउट होता है वो एक बहुत अच्छा मैन्योर होता है, आई बात समझ में, और यहाँ पर कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है. इज दैट क्लियर? विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर.